हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययनता यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, क्या आप लोगों ने हमारे अध्ययन अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है? क्योंकि आगे मिलने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको वहीं मिलने वाली है ना, जो आपको डिटेल में सिलेबस मिलेगा अब वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो क्या करना है आप लोगों को, प्ले स्टोर पर जाके अध्ययन अड्डा एप्लीकेशन सबको डाउनलोड करनी है, ठीक है। क्लासेस वहीं कंटिन्यू आपको मिलेंगी, हर बैचेस में मिलेंगी, किसी भी तरीके की कंपटीशन की तैयारी के लिए भी वहां पर आपको क्लासेस मिलेंगी, प्लस मेरी मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, हिंदी की क्लासेस भी मिलेंगी, यूपी पुलिस, डीपी पुलिस, एसएससी की तैयारी अगर किसी को करनी है तो वो क्लासेस भी आपको कहाँ मिलने वाली है, वो क्लासेस भी आपको सारी अध्ययन अड्डा एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, ये तो थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। अब हम अपना आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्क हमारा क्या है, आज हम लोग करेंगे 11.3 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स नो वेरिएबल्स एज यू कैन फ्रॉम थ्री नंबर्स 5, 7 एंड 8। यानी कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं इन्हीं डिजिट्स को लेकर जो हमें डिजिट्स दी हुई हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें वेरिएबल्स नहीं है, कोई नहीं है ना। वेरिएबल्स क्या होता है, अगर हम कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं ए बी सी एक्स वाई या जेड, तो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है, केवल क्या है, इनको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स, ठीक है। तो एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस, क्या करना है हमें, एक नंबर को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है और अलग अलग एक्सप्रेशंस देनी है। तो हम कितनी बार एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, क्या क्या यूज़ करके, साइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये थ्री साइंस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल के लिए कुछ दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हम ऐसे एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे एक्सप्रेशंस बनाएंगे। देखिए, पहला क्या बनेगा हमारा, 5 × 8 − 7, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या बनेगा, 5 × 8 + 7, ठीक है, दो बन गए, दो एक्सप्रेशंस बन गई आप लोगों की, बन गई। तीसरा क्या लिख सकते हैं, 8 + 5 लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से, × 7, फिर 8 − 5 × 7, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी जल्दी बताइए। फिर लिखेंगे 7 + 5 × जो रह जाएगा, है ना, 7 − 5 × 8। तो कितने एक्सप्रेशंस बन गए, यहाँ देखिए हमारे पास कितने एक्सप्रेशंस बन गए, हमारे पास टोटल 6 एक्सप्रेशंस बन गए। यहाँ हमने किसी भी डिजिट को डबल यूज़ नहीं किया और किसी भी साइन को डबल यूज़ नहीं किया, है ना, एक बार एक ही साइन यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, प्लस मल्टीप्लिकेशन, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने सभी नंबर्स को यूज़ कर करके जितनी एक्सप्रेशंस बना सकते थे ऑलमोस्ट सारी बना दिए हैं। इसके अलावा अब कोई एक्सप्रेशन नहीं रह जाती जो आप लोगों को बनाने के लिए होगी। तो आप इन सभी एक्सप्रेशंस को लिख लेना, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, पहले 5 को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे, एक बार 8 + 7 करके, एक बार 8 − 7 करके। फिर क्या करेंगे, अभी हमने 5 को मल्टीप्लिकेशन में लिया था, अब हम 8 के साथ 5 को एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 times, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब 7 को 5 के साथ ले लेंगे, एक बार एडिशन में और एक बार सब्ट्रैक्शन में, और मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम 8 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस तरीके से 6 एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। क्वेश्चन में हमें ये बताना है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी हैं जिनमें केवल नंबर्स यूज हुए हैं। या फर्स्ट वाला देखिए, क्या इसमें केवल नंबर यूज हुए हैं, नहीं ना, तो क्रॉस हो गया। क्या यहाँ पर केवल नंबर्स यूज हुए हैं, नहीं, यहाँ पर भी वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, क्या बोलते हैं इसको, हम वेरिएबल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल से याद रखना, नंबर लिखने के लिए भी आता है कि यहाँ वेरिएबल बताइए, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए और टर्म्स भी बताइए, ठीक है ना। तो टर्म्स में आपको बता चुकी हूँ, देखिए टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो गया, ये एक टर्म हो गई और ये वाली सेकेंड टर्म हो गई। इसी तरीके से सब में हम लोग टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, टर्म्स एंड वेरिएबल्स। नेक्स्ट में देखिए, क्या यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुआ है? नहीं हुआ ना। तो एक तो हमारा सी हो गया जिसमें हमने कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट एक हमारा डी भी हो गया जिसमें हमने कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ई में एक्स है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एन है, इट मीन्स वेरिएबल यूज़ हुआ है ना। यहाँ पर देखते हैं जी में, जी हाँ, यहाँ पर भी क्या वेरिएबल यूज़ हुआ है। तो ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। क्या क्वेश्चन था, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली, सी एंड डी आर द एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस विदाउट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो भी हम अल्फाबेट लिखते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा था, विदाउट वेरिएबल पूछा है। तो कौन से हो जाएंगे, सी और डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस हैं, डी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है एंड मल्टीप्लीकेशन। इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म्ड, यानी इनमें हमें बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन यूज हुई है और कैसे यूज हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जेड प्लस वन। अब मुझे बताइए कि हम इसके लिए लिख क्या सकते हैं, जल्दी से बताइए हम इसके लिए लिख क्या सकते हैं। हम इसके लिए लिख सकते हैं वन इज एडेड टू जेड, और क्या बन गया ये, एडिशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि वन को हमने किसके साथ ऐड किया है, वन को हमने जेड से ऐड किया है ना, जेड के साथ ऐड किया है। जो डिजिट पहले लिखी है उस में ऐड हुआ है, तो जेड में क्या ऐड हुआ है, जेड में वन ऐड हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, वन इज एडेड टू जेड, और क्या बन गया हमारी, ये क्या बन गई, एडिशन बन गई। आप इस सेकेंड वाले को देखते हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड को देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वन इज सब्ट्रैक्टेड टू जेड। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड, वन मिनट, जेड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, जेड से सब्ट्रैक्टेड हो रही है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड। तो क्या बन गया ये, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी क्या बनते जा रहे हैं, ये एक्सप्रेशंस को हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो बनता जा रहा है। तो ये आप लोगों को आंसर में लिखना है कि एक्सप्रेशन हमको क्या शो कर रही है या ऑपरेशंस हमको क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई प्लस 17, तो क्या लिखेंगे, 17 इज एडेड टू वाई, क्या बन गया, ये भी, ये बन गया एडिशन। और अब क्या है, 17 माइनस, सॉरी, वाई माइनस 17, तो 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, क्या बन गया ये बन गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, है ना। क्या करना था, बस हमें जो हमारे पास ऑपरेशंस दे रखे हैं उन्हें हमें लैंग्वेज में चेंज करना है और बताना है कि वो कौन सा ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 17y अपॉन 17 एंड 5z। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 17y, बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। वाई इज मल्टीप्लाइड बाय 17, यही हो रहा है, जल्दी बताइए, यही हो रहा है। और क्या बन गया ये बन गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, y अपॉन
17, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, y इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय बाय 17, y को क्या कर रहे हैं 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन गया ये डिवीजन. डन. नाउ 5z, 5z को क्या लिखेंगे, चलिए बताइए क्या लिखेंगे 5z को. 5z को हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा था y इज मल्टीप्लाइड बाय 17, तो यहाँ लिखेंगे 5 इज मल्टीप्लाइड बाय z. ठीक है, 5 को z से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या बन गया ये भी मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, बन गया ना. या यहाँ पर सॉरी यहाँ पर z लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 5. ठीक है, यहाँ पर z लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5. क्यों? क्योंकि z को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 से. अब नेक्स्ट वाले में देखिए, ये बी पार्ट के हो गए, क्लियर हो गया सबको ना. नेक्स्ट देखिए 2y एंड 17 प्लस 17 और यहाँ पर 2y माइनस 17, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या बनेगा, 2y प्लस 17, तो क्या लिखेंगे, y इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन 17 इज एडेड. ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए. ठीक है, तो क्या बन गया ये मल्टीप्लीकेशन एंड सॉरी हाँ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. ठीक है, दोनों लिखेंगे क्योंकि दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है. सेम इसके लिए भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, देखिए 2y माइनस 17, तो लिखेंगे फर्स्ट लाइन तो दोनों में सेम आएगी, y इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन हो रहा है यहां पर. नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 7m, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए, लिखेंगे m इज मल्टीप्लाइड बाय 7, तो क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन. आप लोग बताइए मुझे क्या मल्टीप्लीकेशन हुआ या डिवीजन हुआ है, जल्दी बताइए. नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, माइनस 7m प्लस 3 है, तो लिखेंगे m इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 एंड देन 3 इज एडेड टू द रिजल्ट. ठीक है, क्या हुआ, माइनस 7 को m से मल्टीप्लाई किया है या m को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया है और फिर जो रिजल्ट आया है उसको क्या किया है, उसमें हमने 3 को ऐड किया है. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड ऑपरेशन. और इसका थर्ड ऑपरेशन यहाँ पर इसी के सामने लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से. क्या लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे बताइए, इसके लिए भी सेम लाइन आएगी, m इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट. ठीक है, क्या किया, पहले माइनस 7 में m को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 3
थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके रिजल्ट में से। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ना, है ना, इजी इजी, साथ साथ करते जाइए, बहुत इजी पड़ेगा, आप लोग लाइन वाइज लिखते जाना, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोटबुक पे बहुत क्लियरली लिखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर हमें यहाँ वर्बली क्या दिया हुआ है, या रिटन में दिया हुआ है, अब हमें यहाँ इसके लिए एक्सप्रेशंस लिखने हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनेगी। सेवन इज एडेड टू पी, क्या करना है, सेवन को पी से एड करना है, क्या लिखेंगे, पी प्लस सेवन बन गई। सेवन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, सेवन को पी से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पी माइनस सेवन, है ना, इजी इजी, जो बोलता जा रहा है उसको हमें लिखते जाना है बस। पी मल्टीप्लाइड बाय सेवन, यानी पी को क्या करना है, सेवन से मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, पी को सेवन से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा, सेवन पी बन जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, पी डिवाइडेड बाय सेवन, पी को सेवन से डिवाइड करना है, पी को पी इज डिवाइडेड बाय सेवन, यानी पी को सेवन से डिवाइड करना है, तो यही टर्म बनेगी हमारी या कुछ और बनेगी, यही टर्म बनेगी ना, हाँ जी यही टर्म बनेगी, बिल्कुल यही बनानी है आप लोगों को भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेवन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम, माइनस एम में से माइनस करना है सेवन, तो क्या यही ऑपरेशन बनेगा, जल्दी से बताइए मुझे, क्या यही ऑपरेशन बनेगा, यही ऑपरेशन बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय फाइव, माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है फाइव से, तो क्या बन जाएगा, माइनस फाइव पी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माइनस पी डिवाइडेड बाय फाइव, माइनस पी डिवाइडेड बाय फाइव, ये बन गया हमारा ऑपरेशन। और नेक्स्ट क्या है, पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव, पी को क्या करना है, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना है, पी मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव, तो पी को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा, माइनस फाइव पी बन जाएगा, यही बनेगा, है ना, यही बनेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारे के सारे ऑपरेशंस। ठीक है, समझ में आए होंगे, आई होप सब लोगों को समझ में आए होंगे, और जो इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में थी वो इन्फॉर्मेशन एक बार फिर है आप लोगों के लिए। अब जो वीडियोस आपको मिलेंगी, हमारी कंटिन्यू जो वीडियो आपको मिलेंगी, वो हमारे चैनल अध्ययन अड्डा पे मिलेंगी, जिसे आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमारी सारी वीडियोज़ आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। ठीक है, और अगर मेरा आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और कल फिर से मिलते हैं हम एक नई एक्सरसाइज के साथ, इसी चैप्टर की, क्यों अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।